नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, जो संवेद शिखर जी को लेकर जो जैन समाज, जो जैन समुदाय आंदोलन कर रहे थे, उनकी मांग को जो है मान लिया गया है। और इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे संवेद शिखर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि ये जैन समुदाय के लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों देखिए, संवेद शिखर जी जैन समुदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है स्थान है, और फ्रेंड्स ये पवित्र स्थान है। माना जाता है दोस्तों के जो 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, उसमें उनमें ऐसे 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पर ही, यानी कि संवेद शिखर जी में ही मोक्ष जो है प्राप्त किया है, मोक्ष की प्राप्ति जो है हुई है। वहीं दोस्तों जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनको जो है निर्वाण की प्राप्ति भी यहीं पर हुई है। यदि दोस्तों संवेद शिखर जी के बारे में बात करें तो ये झारखंड के गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, और दोस्तों जो पारसनाथ की पहाड़ी है जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है, उस पहाड़ी पर जो है संवेद शिखर जी स्थित है। ये दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा जो है जैन समुदाय का तीर्थ स्थल है, तीर्थ स्थल है। आपको मालूम है दोस्तों, जैन समुदाय बहुत ही अहिंसा प्रिय है, और दोस्तों मतलब नॉनवेज वगैरह बिल्कुल दोस्तों बहुत बिल्कुल परहेज करते हैं वो। और फ्रेंड्स हुआ क्या था, जो झारखंड सरकार है उसने जो है संवेद शिखर जी को पर्यटक स्थल जो है घोषित किया था, टूरिस्ट प्लेस। अब फ्रेंड्स आपको मालूम है, पर्यटक स्थल कोई भी हो जाता है तो वहाँ पे किस प्रकार की जो है गतिविधियाँ हो सकती हैं, कोई नॉनवेज खा सकता है और भी कई जो है गतिविधियाँ होने लगती है। तो जैन समुदाय का कहना था कि नहीं भाई, हमारा जो तीर्थ स्थल है इसको तीर्थ स्थल ही जो है रहने दीजिए। और कल दोस्तों भारत सरकार ने जो है बड़ा फैसला लिया है कि जो राज्य सरकार की जो मतलब फैसला था उस पर जो है रोक लगा दी है। और साथ में दोस्तों केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को कहा है कि आप 3 सदस्यीय कमेटी बनाइए, और जिसमें दोस्तों 2 जो है जैन समुदाय से रहेंगे, 1 जो है वहाँ के लोकल जनजाति व्यक्ति रहेगा। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने, और ये फैसला दोस्तों केंद्र सरकार ने तब लिया है जब जैन समुदाय का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार से जो है मिले हैं, और उन्होंने मांग की थी कि जो है हमारी मांग जो है मांग ली जाए। और दोस्तों आपको मालूम होगा किस प्रकार से मतलब अहिंसक तरीके से पूरे देश में जो है जैन समुदाय जो है आंदोलन कर रहे थे, और उनकी मांग को जो है मान लिया गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बताई है। धन्यवाद।